सो गाइज, आज हम जानेंगे फ्लोटर्स के बारे में कि भाई कभी भी आप आंख बंद करते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो आपको ऐसे कुछ कीड़े ऐसे चलते हुए देखते हैं, तो ये होता क्या है। कई वीडियोस में देखे तो वो ये बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति ये आसमान में देखता है या अंधेरे में आंख बंद करके देखता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि उसकी आंखों में कुछ धागे दौड़ रहे हैं या कीड़े टाइप के, कुछ केचुए टाइप कुछ है। ये होता क्या है, इसे बेसिकली बोलते हैं फ्लोटर्स। ये फ्लोटर्स क्या होते हैं कि भाई पहले आप इसको समझो, आँख की आप यहाँ पर डिज़ाइन देखिए, एनाटॉमी देखिए, संरचना देखिए आप। ये क्या होता है कि जो आँख होती है, सबसे पहले उसको आगे होता है कॉर्निया, उसके पीछे होता है क्या, एक गोल डिब्बा, और उसके पीछे जो होता है रेटिना होता है। तो ये जो गोल डिब्बा है उसे बोलते हैं क्या, विट्रस चैम्बर। मेडिकल टर्म में विट्रस चैम्बर बोलते हैं, इसके अंदर विट्रस फ्लूड होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि भाई आँख को डैमेज होने से बचाने के लिए, कि सपोज आँख में चोट लग भी जाए तो थोड़ा आँख पीछे की तरफ ढक जाती है, सरक जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो ये क्या, एक स्पंज की तरह काम करता है। हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है आँख, आँख के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल उसको सॉलिड फेज फेज में नहीं रखता आपको, विट्रस चैम्बर। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है और आँख को शेप देता है, उसकी प्रोटेक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बढ़ होता है, विट्रस फ्लूड। अब क्या होता है कि कई बार बढ़ती उम्र के साथ या कुछ ऐसी दूसरी बीमारियों के चलते ये इसका विट्रस फ्लूड होता है जो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, मतलब कि उसका टूटना शुरू हो जाता है भाई। वहाँ पे फिर क्लिम्स बन जाते हैं, छोटे धागे जैसे टूटने लगता है, वो टूट टूट कर नीचे बैठ जाता है। जाहिर सी बात है, आँख यूँ है तो उसकी ग्रेविटी कारण नीचे आ जाते हैं। तो होता क्या है कि ये तैरते रहते हैं, कहाँ तैर रहे हैं, विट्रस फ्लूड में। अब विट्रस फ्लूड में तैर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे एक रेटिना है, रेटिना ही तो इमेज को कैप्चर करता है। तो क्या होता है, आँख बंद करोगे तो आपको ये देखते रहेंगे। तो ये जो है क्लिम्स फ्लोटर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, ये विट्रस फ्लूड है जो कि डिग्रेड हो गया है। तो ये चिंता का विषय है। तो अब ये हर व्यक्ति को होता है, किसी को नहीं होता, किसी को होता। तो यहाँ पे दोस्तों ये नेचुरल तरीके से बनी है समस्या, तो नेचुरल तरीके से ठीक भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, धीरे धीरे कुछ डाइट में आप लोगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, तो वो ठीक भी हो जाएगी, वो रिकवर करने लगेगा। जो डिग्रेशन हो रहा है विट्रस फ्लूड का, जो कि आपकी आँखों में तैर रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो ठीक भी हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर टेंशन लेना है नहीं लेना, देखो भाई ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। लेना कब है कि ये जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमेशा ही होता रहता है, तो लेना। और कभी कभी हो जाता है, चलता है यार ठीक, कभी कभी डाइट ऊपर नीचे होती रहती है आदमी की, तो होता है, नॉर्मल है, वो कंडीशन नॉर्मल है। बट अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको ऑप्थोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे जो आँख के डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाएंगे, वो सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या कर सकते हैं, ये जो विट्रस फ्लूड होता है इसको निकाल देंगे पूरा जो डैमेज है, और दूसरा डाल देंगे, इम्प्लांट कर देते हैं। तो एक ये तरीका होता है, एक लेज़र लाइट डाल के उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, हालांकि आपको ट्रीटमेंट कि भाई अगर ये हो भी जाता है तो क्या करना है। ये जो सर्जन ही करता है, जो आँखों का डॉक्टर होता है, वो इसमें या तो विट्रस फ्लूड को पूरा निकाल देगा या दूसरा डाल देगा। दूसरा ये कि लेज़र लाइट डाल के जितना भी जो भी क्लेम्स बने उनको तोड़ दिया जाएगा, बाकी पहले जैसी कंडीशन बना दी जाएगी। सो ऐसा बोलते हैं ना कि दूध फट जाता है ना, कि वो बिल्कुल लिक्विड है लेकिन थोड़ा वो छोटे टुकड़े बन गए उसके, तो वैसे ही कुछ होता है। तो ये फ्लोटर्स ये होते हैं। अगर ज़्यादा समस्या है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्लेम्स जो होते हैं ये बढ़ने लगेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, फिर आपको दिखना ही बंद हो सकता है। तो ये भी है कि रेटिना और कॉर्निया के बीच में क्या आ जाएगा, विट्रस फ्लूड के क्लेम्स आ जाएंगे, तो दिखना बंद हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों फ्लोटर्स की समस्या। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अब आप क्या कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको ऐसा कभी कभी होता है तो अपनी डाइट पे ध्यान दो, क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ होता है। अगर आप जवान हो तो थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।